नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। जिस वक्त आप सब लोग नए साल की तैयारियों में जुटे हुए होंगे, उस वक्त टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था। और जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उन सभी की नजर नए साल से ज्यादा इस बात पर थी कि जब टीम इंडिया का ऐलान होगा तो कप्तान कौन होगा, उप कप्तान कौन होगा, किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा, क्या हो सकती है टीम जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में मैदान पर उतरेगी। आखिरकार टीम का ऐलान हुआ, कप्तान का ऐलान हुआ, उपकप्तान का ऐलान हुआ, साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो गए और उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो सवाल था, जो चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा से पूछा गया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, कि रोहित और विराट के बीच में रिश्ते कैसे हैं जनाब, जरा इन पर भी बताइए। तो जब पत्रकारों का ये सवाल चेतन शर्मा से हुआ, उस पर चेतन शर्मा ने क्या जवाब दिया, बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था चेतन शर्मा ने, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल खड़ा कहाँ से हुए, सवाल खड़ा वहाँ से हुआ कि रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में राहुल को बना दिया गया वनडे का कप्तान। उसके बाद में सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या विराट को वनडे की कप्तानी से हटाए जाना ठीक था, क्या BCCI का फैसला टीम इंडिया के हित में है, ये तमाम सवाल खड़े हुए थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चेतन शर्मा आए, तब उनसे ये सवाल पूछे गए, खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिश्तों को लेकर। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि चेतन शर्मा ने क्या दिया और क्या क्या भविष्य में इस पर असर पड़ सकते हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि चेतन शर्मा ने जो बोला, उन्होंने ये बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है और दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अफवाहों पर मत जाएं। सबसे बड़ा जो शब्द उन्होंने बोला विषय, वो ये बोला कि अफवाहों पर मत जाएं, जो चीजें कैमरे के पीछे हैं, जो आपको बातें बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है, ये चेतन शर्मा ने बोला। अभिषेक, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि चेतन शर्मा ने, देखिए ऐसा लग रहा है कि बातों को टालने की कोशिश की, कि कोई विवाद नया ना खड़ा हो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरह की बातें होंगी, किस तरह की आगे चीजें? देखिए अभिषेक, सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ चेतन शर्मा, एक तरफ विराट कोहली है, और चीफ सेलेक्टर के पद पे, जिस पद पे है चेतन शर्मा, इनके बयान अगर इन्होंने अगर कुछ भी बोल दिया अभिषेक, तो बहुत सारे मायने निकल सकते हैं। उस लिहाज से चेतन शर्मा ने कहीं ना कहीं क्रिकेट की बात करें तो सेफ खेला है, सेफ खेला है। और सेफ खेलते उन्होंने सीधे ये कहा कि जो बात अभी तक विवाद जिस तरीके सामने आ रहे थे, दरअसल वैसा कुछ है नहीं, पर्दे के पीछे का सीन कुछ और है। और जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर लगातार खबरें आ रही थी, फिर बीच में BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, विराट कोहली का भी बयान, सौरभ का भी आया, विराट को भी, विराट ने भी बकायदा मीडिया के सामने आकर बातचीत की, रोहित शर्मा ने भी BCCI टीवी से बातचीत किए, बोला कि 5 साल मैं उनके साथ खेला हूँ, मुझे अब तक कोई दिक्कत नहीं हमारे बीच में। और ये जो भी खबरें या अफवाहें हैं महज, लेकिन एज ए चीफ सेलेक्टर जब इन्होंने ये बात कही है कि ऐसा कुछ वाकई में नहीं है, कप्तानी को लेकर कुछ नहीं है, तो एक सवाल तो पूछना इनसे लाजमी बनता था, जो कि पूछा भी गया अभिषेक, कि आखिर विराट कोहली को ODI से, ODI की कप्तानी से क्यों हटाया गया। अगर रोहित शर्मा जिस तरीके से चोटिल हो गए हैं, दक्षिण अफ्रीकी दौरे में उन्होंने टेस्ट में भी नहीं है, वनडे में भी नहीं है, और कप्तानी उनके जगह अब खेल राहुल संभालेंगे टीम इंडिया का कमान, तो क्या यहाँ पे विराट कोहली एज ए ऑप्शन सही नहीं रहते, अगर विदेशी सरजमीं पे भारत खेलने जा रही है? तो इस दौरे को लेकर भी ये सवाल अहम है। और विराट कोहली ने जिस तरीके से बोला कि उनको कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि उनसे कप्तानी से उनको हटाया जा रहा है, उस लिहाज से भी ये सवाल बहुत ही अहम बनता है। बिल्कुल, देखिए चेतन शर्मा ने एक बात और बड़ी अच्छी बोली, उन्होंने बोला 2021 तो बीत गया है, जो हुआ उसको आप भूल जाइए, उसको रहने दीजिए, वो टीम के लिहाज से भी ठीक नहीं है। 2022 में हम आ गए हैं, 2022 में टीम इंडिया नई शुरुआत करेगी, और जो हमने खोया है, मतलब उनका इशारा ICC ट्रॉफीज की तरफ था कि जो हम नहीं हासिल कर पाए पिछले कुछ सालों में, वो हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, और टीम इंडिया एक नए अवतार में नजर आएगी 2022 में, ये चेतन शर्मा का कहना है। और अभिषेक, एक जो ये खबर है, वापस इसमें उफान इसलिए आ गया ना कि विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका में पहला एशिया का ऐसा टीम है, एशियन टीम है, जिसने उस मैदान सेंचुरियन पर, सेंचुरियन के मैदान पर टेस्ट जीता है, और इस लिहाज से विराट कोहली कप्तानी पे तो कोई सवाल उठना, किसी तरह का कोई अंकुश लगना भी कहीं से लाजमी नहीं दिखा देता है, तो आप ऐसे बात में तो उठेगी, आपकी सही बात है, टेस्ट में जहां पर अभी तक कोई एशिया की टीम नहीं जीत पाई है सेंचुरियन के मैदान पर, बिल्कुल, जो अभेद किला था दक्षिण अफ्रीका का, विराट कोहली ने वो भेद दिया, तो जाहिर तौर पर उनके कप्तानी पर, उनके खेल पर तो किसी को कोई शक नहीं है।
जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए बेहतर कप्तानी की है। एक बात और है कि टेस्ट की बात करें, 5 दिन खेल चलता है, होता है कभी कोई टीम दो पाली खेले, किसी को एक पाली मिला, कोई फॉलो ऑन खेलता है। लंबे फॉर्मेट के का खेल हो गया टेस्ट, और 50-50 ओवर के फॉर्मेट में ओडीआई में मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली से कप्तानी वाकई में लेनी चाहिए थी, मेरे मन में ऐसा। बिल्कुल, वैसे आप लोगों का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, चेतन शर्मा के बयान पर आपका क्या कहना है, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि जो 2021 में हो गया वो हो गया, और 2022 की तरफ चलते हैं, एक नई टीम को बनाते हैं और ट्रॉफीज की उम्मीद रखते हैं, ये चेतन शर्मा ने बोला है। और उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में सब कुछ ठीक है, दोनों बैठकर बातें करते हैं, दोनों बैठकर रणनीति बनाते हैं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। और मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या विराट कोहली से ओडीआई की कप्तानी वापस लेना सही फैसला था, या फिर विराट कोहली में अभी भी कप्तानी बाकी थी। आपका जो भी मानना हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें।